हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। दिस इज संदीप और आप देख रहे हो अल्ट्रा फिजिक्स। सो गाइस, इस वाले वीडियो में मैं आपको डिलीटेड पार्ट बताऊंगा कि क्या क्या आपको नहीं पढ़ना है आपके एग्ज़ाम के लिए। सो ये वीडियो मैंने सिर्फ उन बच्चों के लिए बनाया है कि जो सिर्फ डिलीटेड पार्ट नहीं पढ़ना चाहते, बाकी सारी चीज़ें पढ़ना चाहते हैं, उनके लिए ये वीडियो है। बहुत सारे बच्चे मुझे रिक्वेस्ट कर रहे थे कि सर बता दो क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। ठीक है, तो आप ध्यान दीजिए इस वीडियो पर। सो डिलीटेड पोर्शन जो है वो आपका लास्ट ईयर का ही कैरी फॉरवर्ड हुआ है। यहाँ पे कुछ नया डिलीट नहीं किया है इस साल भी, क्योंकि स्कूल एंड कॉलेजेस अभी भी बहुत सारे जगह पे ओपन नहीं हुआ है, तो उन्होंने वही जो पोर्शन डिलीटेड है वही कैरी फॉरवर्ड किया है। तो मैं आपको फटाफट से सारे चैप्टर का वो डिलीटेड पार्ट बता देता हूँ कि क्या आपको नहीं पढ़ना है। ओके, वैसे अगर आपको इंट्रेंस एग्ज़ाम का प्रिपरेशन करना है तो मैं सजेस्ट करूँगा कि आप सारी चीज़ें पढ़िए, लेकिन अगर आप सिर्फ एग्ज़ाम के लिए अगर आपको पढ़ना है तो आप वो सारी चीज़ें नहीं पढ़ सकते जो मैं आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, सजेशन वही रहेगा कि आप सारी चीज़ें पढ़िए। अगर आपको इंट्रेंस एग्ज़ाम देना है फ्यूचर में, अगर आपको इंजीनियरिंग करना है या फिर मेडिकल में जाना, तो आपको सारी चीज़ें पढ़नी है और सारी चीज़ें ज़रूरी है। चलो आगे चलते हैं, सारी चीज़ें डिस्कस कर लेते हैं कि क्या नहीं पढ़ना। ठीक है, तो इस वीडियो में दो पार्ट में बनाने वाला हूँ। पहले वाले पार्ट में फिजिक्स वन कंप्लीट करूंगा कि उसमें क्या क्या डिलीटेड है। फिजिक्स वन मतलब चैप्टर नंबर वन से लेके चैप्टर नंबर नाइन तक, ठीक है, ये फिजिक्स वन में आता है। और देन ऑप्टिक्स से लेके बचा हुआ जो चैप्टर आता है वो फिजिक्स टू में आता है। ठीक है, तो इस दो पार्ट में हम इस पूरे वीडियो को कंप्लीट करेंगे एंड देखेंगे क्या क्या डिलीटेड पार्ट है। चलो पहला वाले चैप्टर पे आ जाते हैं, यूनिट एंड मेजरमेंट। इसमें जो आपको नहीं पढ़ना है वो 1.3 वाला सेक्शन नहीं पढ़ना है, मतलब ऊपर वाली सारी चीज़ें पढ़नी है, ये सारी चीज़ें पढ़नी है। 1.3 मतलब मेजरमेंट ऑफ लेंथ, ये नहीं पढ़ना है। ठीक है, तो 1.31 भी नहीं पढ़ना, ये सारे उसके जो सब टॉपिक है वो भी सारी चीज़ें नहीं पढ़नी है आपको। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको नहीं पढ़नी है। नेक्स्ट 1.4 भी नहीं पढ़ना, मेजरमेंट ऑफ मास नहीं पढ़ना, ये सारी चीज़ें नहीं पढ़नी है। एंड मेजरमेंट ऑफ टाइम भी नहीं पढ़ना, टाइम को कैसे मेजर किया जाता है ये सारी चीज़ें नहीं पढ़नी है। ठीक है, समझ में आया, तो ये सारी चीज़ें आपको नहीं करनी है। नेक्स्ट आ जाता है डायमेंशन। डायमेंशन आपके लिए बहुत ज़रूरी चीज़ है, तो आपको डायमेंशन करना ही है। ठीक है, सो ये आपको डायमेंशन पढ़ना है। सो डायमेंशन इंपॉर्टेंट है और इसको आपको पढ़ना ही चाहिए। चलो आगे चलते हैं, बात करते हैं मेंशन होने के बाद 1.7। ठीक है, ये एक्यूरेसी वाला पार्ट, एक्यूरेसी प्रिसीजन एंड अनसर्टेनिटी, ये वाली सारी चीज़ें डिलीट है, ये आपको नहीं करनी है। ठीक है, सो 1.7 नहीं पढ़ना है। 1.8.1 पढ़ना है आपको, इसके ये सारी चीज़ें पढ़नी है, रैंडम एरर ये सारी चीज़ें करनी है, लेकिन ये वाला नहीं पढ़ना, मतलब कॉम्बिनेशन ऑफ एरर नहीं पढ़ना, इसमें आपका जो एरर मल्टीप्लीकेशन है, ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको नहीं करनी है। ठीक है, और सिग्निफिकेंट फिगर पढ़ना है इसमें आपको, सिग्निफिकेंट पढ़ना, ठीक है, और ये सारी चीज़ें पढ़नी है आपको। ओके, सो यहाँ पे पहला वाला चैप्टर कंप्लीट हो जाता है, सेकेंड वाले चैप्टर पे आ जाते हैं। सेकेंड वाले चैप्टर पे दैट इज़ मैथमेटिकल मेथड, ये टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, चलो इसको देख लेते हैं। सो इसमें ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी है। ठीक है, सारी चीज़ें पढ़नी है। इन्होंने सिर्फ इंट्रोडक्शन टू कैलकुलस वाला पार्ट डिलीट किया है। ठीक है, मतलब ये सारी चीज़ें पढ़नी है आपको, इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसलिए इसमें से ज़्यादा कुछ डिलीट नहीं किया है। इसका जो लास्ट वाला पार्ट है दैट इज इंटीग्रेशन एंड डेरिवेटिव वाला जो सेक्शन है उसी को उन्होंने डिलीट किया है। ठीक है, तो लास्ट वाला सेक्शन कहाँ पे आ जाता है, ये मेरा इंट्रोडक्शन टू कैलकुलस, ये वाला सेक्शन आपको नहीं पढ़ना। ठीक है, जिसमें डिफ्रेंशिएशन और इंटीग्रेशन है, ये सारी चीज़ें आपको नहीं पढ़नी, ये आप मैथमेटिक्स में पढ़ लोगे, इसलिए उन्होंने बोला कि जब वहाँ पर पढ़ रहे हो तो यहाँ पर क्यों पढ़ना है। ठीक है, इसलिए उन्होंने डिलीट कर दिया। चलो तो आगे चलते हैं, नेक्स्ट थर्ड वाला चैप्टर मोशन इन प्लेन। ठीक है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है एंड इसमें आपको ज़्यादा कुछ डिलीट नहीं किया है, बस 3.2 डिलीट किया, मतलब ये सारी चीज़ें पढ़नी है। 3.2 किधर है, 3.2, 3.2 देख लेते हैं, 3.2 यस आ गया, 3.2 वो कहाँ पे है, एक मिनट, हाँ, तो ये रेक्टिलिनियर मोशन पढ़ना है, ये आपको नहीं पढ़ना है। ठीक है, रेक्टिलिनियर मोशन आपको नहीं पढ़नी है, मतलब ये सारी चीज़ें नहीं पढ़नी है, ये नहीं पढ़नी है, ये भी नहीं पढ़ना है एंड ये सारी चीज़ें नहीं पढ़नी है। ठीक है, ये सारी चीज़ें नहीं पढ़नी है। सो ये सारी चीज़ें नहीं पढ़नी, आपको यहाँ से पढ़ना है, 3.3 से पढ़ना है
एंड इसके आगे की सारी चीज़ें पढ़नी है, ठीक है। मतलब ये आपका 3.3.1 में आ जाएगा, ये सारी चीज़ें पढ़नी है आपको। तो ये सारी चीज़ें पढ़नी है, 3.2 नहीं पढ़ना है सिर्फ, ठीक है। चलो चैप्टर नंबर 4 पे आ जाते हैं, बाकी सारी चीज़ें इसमें करनी है आपको। चैप्टर नंबर 4, ये रहा हमारा चैप्टर नंबर 4, लॉज ऑफ मोशन, ठीक है। इसमें बहुत सारा टॉपिक रिलेटेड है, तो क्या क्या रिलेटेड है, इंट्रोडक्शन आपको पढ़ लेना, थोड़ा इंट्रोडक्शन पढ़ लेना। अरिस्टोटल फैलेसी नहीं पढ़ना आपको, ठीक है, ये सारी चीज़ें नहीं पढ़नी है, मतलब ये नहीं पढ़ना है। न्यूटन्स लॉ में 4.3 पढ़ना है, दैट इज़ फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ एंड थर्ड लॉ, ये सारी चीज़ें पढ़नी है। बाकी सारी चीज़ें नहीं पढ़नी, मतलब ये फर्स्ट लॉ के ये क्या क्या इंपॉर्टेंस है, सेकेंड लॉ की क्या है, ये सारी चीज़ें नहीं पढ़नी है, ठीक है। सिर्फ आपको लॉज पढ़ने हैं एंड उसके बाद डायरेक्ट ये 4.4 पढ़ना आपको, यूनिवर्सल फ्रेम, नॉन यूनिवर्सल फ्रेम क्या होता है, सारी चीज़ें पढ़नी है। एंड 4.5.2 नहीं पढ़ना, ठीक है, 4.5.2 नहीं पढ़ना, ये वाला चीज़ नहीं पढ़नी है, ठीक है। सो ये सारी चीज़ें नहीं पढ़नी है। 4.5.3 पढ़ना है, ये आपको पढ़ना है, ठीक है। रियल फोर्स, सूडो फोर्स आपको पता होना चाहिए, तो ये आपको पढ़ना है। एंड देन उसके बाद 4.6 नहीं पढ़ना, तो 4.6 कहाँ पे है, 4.6, 4.6 7 पे आ गए हम, 4.67 यहाँ पे है, हाँ 4.6 जो है वो आपको नहीं पढ़ना है, ठीक है। वर्क एनर्जी थ्योरम, लेकिन ये काफ़ी इंपॉर्टेंट थ्योरम है, इसको आपको पढ़ना ही चाहिए, एंट्रेंस पॉइंट ऑफ व्यू कहीं कहीं पे बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि इसको आप पढ़ो, लेकिन एग्ज़ाम के लिए नहीं पढ़ना तो मत पढ़ो, ठीक है। सो ये आपको सारी चीज़ें नहीं पढ़नी है, ये भी नहीं पढ़ना, ठीक है, ये भी नहीं पढ़ना आपको, सॉरी ये भी नहीं पढ़ना। एंड देन 4.8.5 नहीं पढ़ना, ठीक है, 4.8.5 कोलिजन पढ़ना आपको, कोलिजन का 4.8.5 नहीं पढ़ना, मतलब ये 8.2 पढ़ना आपको, 8.3 पढ़ना है, ठीक है, 8.4 भी पढ़ना है, लेकिन 8.5 नहीं पढ़ना, ठीक है, ये सारी चीज़ें नहीं पढ़नी है, ठीक है। देन उसके बाद ये 4.8.6 पढ़ना है, ये आपको ये पढ़ना है, ठीक है, ये आपको करनी है। उसके बाद डायरेक्ट आ जाते हैं 4.9.1 नहीं पढ़ना आपको, ठीक है। सो 4.9.1 नहीं पढ़ना, नेसेसिटी ऑफ डिफाइनिंग इम्पल्स नहीं पढ़ना, ठीक है, तो मतलब ये सारी चीज़ें नहीं पढ़नी है। एंड देन 4.10 तो पढ़ना है आपको, ठीक है, 4.10 पढ़ना है। एंड 4.11.1 नहीं पढ़ना, ठीक है, 4.11.1 नहीं पढ़ना है, मतलब ये 4.11 आप थोड़ा सा स्टार्टिंग में पढ़ लो, कपल क्या होता है, टॉर्क क्या होता है, लेकिन ये 4.11.1 नहीं पढ़ना है, ठीक है। 4.12 पढ़ना है आपको, तो ये आपको पढ़ना है, ठीक है। एंड उसके बाद सारी चीज़ें पढ़नी है। देन आ जाते 4.13.4 पे नहीं पढ़ना आपको, ठीक है, मतलब कहाँ पे नहीं पढ़ना है आपको, यहाँ पे, यहाँ से सारी चीज़ें नहीं पढ़नी है, इसके बाद आगे का कुछ भी नहीं पढ़ना, ठीक है। सो ये रहा चैप्टर नंबर 4 का कुछ रिलेटेड पार्ट। चलो चैप्टर नंबर 5 पे आ जाते हैं, ग्रेविटेशन, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए इसमें बहुत कम पार्ट डिलीट किया है, ज़्यादा कुछ डिलीट नहीं किया है इसमें। इसमें आपको 5.4 नहीं पढ़ना, ओके, तो सारी चीज़ें पढ़नी है इसमें, सिर्फ आपको 5.4 नहीं पढ़ना। तो 5.4 ये रहा हमारा, ठीक है, ये इतना छोटा सा पार्ट डिलीट किया है, बाकी सारी चीज़ें पढ़नी है, ठीक है। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और एंट्रेंस पॉइंट ऑफ व्यू भी काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, तो आपको इसको पढ़ना ही है। चलो मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड बात कर लेते हैं नेक्स्ट चैप्टर, सारी चीज़ें इसमें पढ़ना ही है, तो नेक्स्ट चैप्टर पे आ जाते हैं, मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड। अब इसमें आपको 6.8 नहीं पढ़ना है, ठीक है, 6.8 बाकी सारी चीज़ें पढ़नी है, तो ये 6.4 हो गया, 6.5, 6.5 हो गया, ठीक है। एंड ये रहा 6.8, हार्डनेस आपको नहीं पढ़ना। देन 6.9 भी नहीं पढ़ना, तो ये भी नहीं पढ़ना। एंड देन यस, बस इतने ही दोनों नहीं पढ़ने, ठीक है, 6.8 और 6.9 नहीं पढ़ना, बाकी सारी चीज़ें पढ़नी है, मतलब आपको फ्रिक्शन इन सॉलिड वाला चीज़ नहीं करना, ठीक है। सो इसमें आपको 109 से लेके, मतलब ये उसी का सब टॉपिक है, ये भी नहीं करना आपको, ये भी नहीं करना, 1.11 तक ये सारी चीज़ें नहीं करनी है,
ठीक है, ये सारी चीज़ें नहीं करनी है। चलो आगे चलते हैं, नेक्स्ट चैप्टर पे आ जाते हैं, थर्मल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर, चैप्टर नंबर 7। ठीक है, इसमें आपको 7.2 नहीं करना, मतलब 7.2 कहाँ पे, ये वाला, ठीक है, दैट इज़ ये वाला पार्ट नहीं करना। तो ये एक पेज भी काफ़ी फ्रॉड होगा। 7.3 आपको नहीं करना, मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर ये भी नहीं करना, ठीक है। तो ये 118 तक कैरी फॉरवर्ड हो रहा है, तो ये हम 118 तक सारी चीज़ें नहीं करेंगे, ठीक है। उसके बाद 7.4 वाला भी नहीं पढ़ना आपको, एंड इसके बाद 7.4 तक होने के बाद ये 121 तक कैरी फॉरवर्ड होगा, मतलब पेज नंबर की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है, 121 तक, यहाँ तक नहीं पढ़ना आपको, ठीक है। तो 7.4 का जो सारी चीज़ें वो नहीं करनी है, 7.5 पढ़ना है, ठीक है। ये 7.5 का थोड़ा सा छोटा सा पार्ट यहाँ पे दिया ना, तो ये आपको कंटिन्यू करना है यहाँ से यहाँ तक। तो वो 7.5 पढ़ना है, सारी चीज़ें पढ़नी है 7.5 की, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें पढ़नी है आपको। आ जाते हैं नेक्स्ट 7.8 पे, 7.8 नहीं पढ़ना आपको, दैट इज़ पेज नंबर 129। तो 7.8 नहीं पढ़ना है, ये वाला पार्ट नहीं करना है, ठीक है। तो 7.8 से आप, मतलब ये 133 तक कैरी फॉरवर्ड होता, ओके। देन 7.9 करना आपको, ये करना 7.9 इम्पॉर्टेंट है, तो ये सारी चीज़ें करनी है, ठीक है, ये सारी चीज़ें इम्पॉर्टेंट है, तो ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी है, ठीक है। चलो तो चैप्टर नंबर 7 हो गया। अब साउंड की बात कर लेते हैं। साउंड में आपको लिए लास्ट टॉपिक है फिजिक्स 1 का, ठीक है। तो इसमें आपको 8.2 नहीं पढ़ना, तो 8.2 नहीं पढ़ेंगे, एंड देन ये 8.2 144 तक कैरी फॉरवर्ड हो रहा है, तो ये भी नहीं पढ़ना आपको, ये भी नहीं पढ़ना, ठीक है। सो उसके बाद आपको 8.3 नहीं पढ़ना, सो 8.3 ये भी नहीं पढ़ना है, मतलब ठीक है, 8.3 यहाँ पे कहीं होगा, हाँ ये 8.3 नहीं पढ़ना है, ठीक है, यहाँ पे पहले कट कर दिया मैंने, तो 8.3 भी नहीं पढ़ना, और 8.4 पढ़ना आपको, ये पढ़ना है, ठीक है। 8.5 भी पढ़ना है आपको, ठीक है। तो 8.5 के सारे जो सब टॉपिक है वो सारे करने हैं आपको, ठीक है, सारी चीज़ें करनी है। 8.6 नहीं करना आपको, ठीक है, 8.6 नहीं पढ़ना है, ये आपको नहीं पढ़ना, एंड देन 8.7.2 नहीं पढ़ना, मतलब ये तो पढ़ना है आपको, ठीक है, यह होता है, सारी चीज़ें पढ़नी है, ये रिवर्बरेशन क्या होता है ये पढ़नी है आपको, लेकिन अकोस्टिक नहीं पढ़ना आपको, ठीक है, सॉरी, ये रिवर्बरेशन भी नहीं पढ़ना है आपको, और अकोस्टिक भी नहीं पढ़ना है, ठीक है, ये दोनों पार्ट डिलीटेड है। तो उसके बाद 8.9.3 नहीं पढ़ना, 8.8 पढ़ना है आपको, ठीक है, ये पढ़ना है आपको, 8.9 पढ़ना है आपको, ठीक है, लेकिन इसका सब टॉपिक 8.9.2 नहीं पढ़ना, दैट इज़ ये वाला पार्ट नहीं करना, ठीक है, 8.9.2 नहीं करना, बाकी सारी चीज़ें करनी है, मतलब 8.9.3 करनी है, ये करना, ठीक है, बाकी सारी चीज़ें करनी है। सो गाइस, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैप्टर नंबर 9 से मैं स्टार्ट करूँगा, पार्ट 2 का क्या क्या रिलेटेड पार्ट है वो मैं डिस्कस करूँगा। सो आज के लिए बस इतना है गाइस, टेक केयर, सी यू सून गाइस इन नेक्स्ट वीडियो।